बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। शुरू करते हैं नेक रोटेशन से। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों में कंधों जितना फासला और धीरे धीरे दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएं और बाहिनी ओर घुमाएं। टर्न राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें और धीरे से बीच में आ जाएं। एक बार फिर से दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएं और फिर बाहिनी तरफ झुकाएं। दोनों तरफ आते हुए खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे से बीच में सांस भरते हुए गर्दन पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। याद रहें, श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे धीरे गर्दन को गोल घुमाना शुरू करेंगे। आधा चक्कर श्वास भरते हुए और आधा चक्कर श्वास छोड़ते हुए। 3 से 5 बार एक दिशा में घुमाएं। धीरे धीरे दूसरी दिशा में भी घुमाएंगे। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। और धीरे से बीच में आ जाएं। दोनों हाथों को सामने से सीधा कर लें और श्वास छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को बाहिनी ओर ले जाएं और सांस छोड़ते छोड़ते दाहिनी ओर। इस प्रकार हम 3 से 5 बार करेंगे। बाहिनी ओर जाएं और दाहिनी ओर भी ले जाएं। रीढ़ की हड्डी में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरें और छोड़ दें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और धीरे धीरे गोल गोल घुटनों को घुमाएं। पहले एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप इसे ना करें। दोनों हाथ एक बार कमर पे। ताड़ासन के लिए तैयार होते हुए दोनों हाथ श्वास भरते हुए सिर के ऊपर, दोनों हाथों को बांधें और आकाश की ओर खींचे। पंजों के बल खड़े हों और ऊपर की तरफ खींचें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। वृक्षासन के लिए तैयार होते हुए
बाहिने पैर को उठाएं और दाहिने पैर की जांघ में फंसाएं। स्थिर महसूस करने पर दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा बनाएं। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। दाहिने पैर को उठाते हुए बाहिने पैर की जांघ में फंसाएं। स्थिर महसूस करने पर श्वास भरते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। पादहस्तासना के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर पास में, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अर्ध चंद्रासन के लिए दोनों हाथ कमर पे, श्वास भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुक जाएं। जितना आपका शरीर साथ दे धीरे से ऊपर आ जाएं। त्रिकोण आसन के लिए तैयार होते हुए दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का फासला, दाहिने पैर को बाहर, दोनों हाथ कंधों की सीध में और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर झुक जाएं। ऊपर वाले हाथ को देखते रहें, श्वास भरते हुए ऊपर, दाहिना पैर अंदर, बाहिना पैर बाहर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों की सीध में और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाहिनी ओर झुक जाएं। याद रहे ऊपर वाले हाथ को देखना ज़रूरी है। शरीर में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बीच में और छोड़ते हुए पास में। धीरे से पेट के बल लेट जाएं। दोनों हथेलियां सीने के पास में, दोनों पैर पीछे से जुड़े हुए, श्वास भरते हुए सीने को ऊपर उठाते हुए भुजंगासन में आएंगे। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। दोनों हाथों को ज़मीन पर रखें और एक बार फिर से भुजंगासन के लिए ऊपर उठें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे मकर आसन में विश्राम करें। शलभासन के लिए दोनों हाथों को जांघों के पास में लाएं। ठुड्डी जमीन से लगी हुई, श्वास भरते हुए सीधे पैर को जमीन से 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएं। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए दूसरे पैर को जमीन से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। दोनों हाथों से बनी मुट्ठी को जांघों के नीचे फंसाएं। ठुड्डी जमीन से लगी हुई, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। पूर्ण शलभासन में कुछ देर रोके रखें और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। और धीरे से मकर आसन में विश्राम करें। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे से कमर के बल लेट जाएं। सेतु बद्धासन के लिए तैयार होते हुए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें।
दोनों हाथ जांघों के पास में और श्वास भरते हुए अपने कूलों को आकाश की ओर उठाएं और धीरे धीरे नीचे ले आएं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर सीधा कर लें और कुछ सेकंड विश्राम करें। पवन मुक्तासन के लिए तैयार होते हुए दोनों पैरों के पंजों को ऊपर की तरफ खींचें। सीधे पैर को सीने के पास लाते हुए दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। गर्दन को उठाते हुए माथा, नाक या ठुड्डी घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो गर्दन ना उठाएं, केवल हाथों से पैरों को पकड़े रखें। दूसरे पैर से करेंगे। दोनों हाथों से पैर को पकड़ें, सीने की ओर खींचें और धीरे धीरे गर्दन उठाते हुए माथा, नाक या ठुड्डी को घुटने से लगाएं। पहले गर्दन को ढीला छोड़ें और धीरे से पैर को भी ढीला छोड़ दें। पूर्ण पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ें और गर्दन को ऊपर उठाते हुए दोनों घुटनों के बीच में माथा लगाएं। धीरे धीरे गर्दन को ज़मीन पर छोड़ें और दोनों पैरों को ज़मीन पर छोड़ दें। धीरे से उठ के बैठेंगे। दोनों पैर सामने से सीधे, पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए, दोनों हाथ कूल्हों के पास में, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। कुछ देर दंडासन में रोके रखें। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं, अर्ध उष्ट्रासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को कमर और कूल्हों को सहारा दें, श्वास भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। हाथों से कूल्हों को आगे की ओर धकेलें। धीरे धीरे ऊपर वज्रासन में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को आगे झुकाएं, माथा ज़मीन से लगाएं। याद रहे अपने कूल्हों को एड़ियों की तरफ दबाव बनाए रखें और कुछ देर बालासन में विश्राम करें। धीरे से उठ के बैठें। दोनों पैर सामने से सीधे, दोनों हाथ जांघों के पास में, वक्रासन के लिए तैयार होते हुए सीधे पैर को मोड़ें और बाहिने पैर की बाहिनी ओर रखें। बायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर और दाहिने पैर के दाहिनी तरफ लपेटते हुए रोकें। कमर को पीछे की ओर मोड़ें और शरीर में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। धीरे से बीच में आ जाएं। हाथ को ढीला छोड़ दें और पैर को भी ढीला छोड़ दें। बाहिनी पैर को मोड़ के दाहिनी पैर के दाहिनी तरफ रखें। दाया हाथ श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाहिने पैर के बाहिनी ओर पर रोक के रखें। पीछे की तरफ कमर को मोड़ें और शरीर में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे बीच में आ जाएं। हाथों और पैरों को ढीला छोड़ते हुए विश्राम करें। नमस्कार। हमारे देश भारत की एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है। इसी से जुड़ी कुछ बातें आज हम करेंगे मिथिला पेंटिंग की। यह कला प्रकृति से सीधे सीधे जुड़ी है। यह रंग बनते हैं फूलों से और पेड़ों की पत्तियों से।
और पेड़ों की टहनियों से बनते हैं ब्रश। इस कला से जुड़े कुछ लोग हमारे यहाँ आए और हमने उनसे बातचीत की। जो देखा समझा उसे अचरज के अलावा हम क्या कहें। आइए आप भी देखिए। मिथिला पेंटिंग का इतिहास क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई और आज के संदर्भ में उसकी कितनी आवश्यकता है, तो मैं सत्यनारायण जी से चाहूँगा कि वो इस विषय पर कुछ बात करें। नमस्कार। सबसे पहले बता दूं, मैं मिथिला पेंटिंग, मिथिला एक देश था जहाँ की सीता जी पैदा हुई थी। रामायण में आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर रिवाज था तो जब भी कोई शादी विवाह होता था तो उस टाइम में वो वहाँ पर दीवारों पर पेंटिंग करते थे और अपने दीवारों को, घरों को सजाते थे। इसमें खास करके रंग जो बनाते थे वो फूल पत्तों से बनाते थे। उसमें तीन शर्तें थीं, पहले फूल तोड़ेंगे नहीं, फूल खरीदेंगे नहीं, और जो हम खाते हैं उसे रंग नहीं बनाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊँगा, फिर कोई सवाल पूछना सीधा फूल लिया। ये फूल सभी मंदिर के हैं। मैंने कहा ना, मैं फूल तोड़ता नहीं, खरीदता नहीं, और जो हम खाते नहीं बनाते। ये सिंपल फूल फूलों का फूल है। देखो, हम फूल से फूल बनाते हैं। ये लेंगे, ये बोगनविलिया है, इसको भी आप ये देखिए, इससे लाल हो जाएगा। ये गुलाब की है पंखड़ियाँ, ये भी मंदिर का है, इसको भी देखिए ऐसे करेंगे तो ये अलग रंग आएगा इसमें। और कोई पत्ता, हरा पत्ता होता है, कोई भी ले लीजिए आप, इस हरा में निकलता है। ये देखिए, इसको हम ये लिया, इसको सीधा ऐसे देखिए, इसको आप झाड़ भी देंगे ना कुछ नहीं होगा। ये तो हम चिड़िया बना के दिखा रहे हैं। ये लिया, इसको फूल से पहले ऐसे प्रकट दिया, उसके बाद फिर इसको हम देखो चिड़िया का शेप कैसे देंगे। ये फूल लेकर के इसका यहाँ पे चोंच बना दिया, ये हरे पत्ते लेके इसका पंख बना दिया, ऐसे मछली बन सकती है। पेंटिंग करने में आपको ब्रश की आवश्यकता होती है ना। एक पतला ब्रश होता है जिससे हम लाइनिंग करते हैं, एक मोटा होता है जिससे हम रंग भरते हैं। ये हम सब झाड़ू की तीली से करते हैं। झाड़ू की तीली सीख है, इसको हमने क्या किया, जब पतले पॉइंट करने के लिए इसको कैंची से ऐसे काटेंगे। ये देखें, ये पॉइंट बना लेंगे और इसको पॉइंट को छोड़ के, ये खास देखने की बात है, पॉइंट को छोड़ के इसको हम ऐसे रिको लपेट देंगे। अगर इसको हम रंग में डीप करेंगे ना इसको, तो ये लाइन चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखें, अगर इसको ऑफ डैन करना हो, जब रंग भरना हो थोड़ा सा इसको इसी तरफ तीली में, ये देखिए हम ऑफ डैन करें। ये देखिए हम ऑफ डैन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके जो है पेंटिंग के विषय क्या रहते हैं और शुरुआती दौर में इनका टेक्निक क्या थी, किस तरीके से कौन से विषय होते थे, कृपया जरा उनके बारे में बताएं। जरूर। खासकर मैंने कहा ना, ये हमारे रीति रिवाज जुड़ा हुआ है और कोई भी कला तभी जीवित रह गया जब उसको रीति रिवाज से जोड़ा जाए। मिथिला में शुरू से रिवाज था, जब भी कोई शुभ काम होता है, शादी हुआ, ब्याह हुआ, मुंडन हुआ, उसमें दीवारों पर पेंटिंग की जाती थी। इसमें हम तीन तरह के विषय लेते हैं, धार्मिक, सामाजिक और प्राकृतिक। आप सब बनाएंगे जो अच्छा लगे, और मैं चाहूंगा थोड़ा बच्चे भी काम करें तो अच्छा रहेगा। Thank you.
देख रहे जिस तरह किस तरह से बच्चे अपने आप कर रहे हैं ये लोग सब। कैसे बच्चों अच्छा लग रहा है आपको? क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं? कभी आपने क्या था फूलों से ऐसे काम? आप थोड़ा ट्राई करेंगे, अभी अच्छा लग रहा है। और फूल कहाँ से लाएंगे बताइए? और साथ में कितना माला बेकार हो जाता है, शादी होती है ना उसका फूल इस्तेमाल करते हैं, हर फूल पत्ते में रंग होता है, कोई फूल पत्ते ले लो आप, तो आज से ट्राई करेंगे। एक चीज और बताना भूल गए हम आपको, ये जो देखिए आप ये ब्राउन है ना जी, पेपर ब्राउन है ऊपर से किया गया है, तो क्योंकि जब आप पेंटिंग को अच्छा बनाने के टिकाऊ रखने के लिए हम क्या करते हैं, गोबर लिया पानी में घोला उसको और पेंटिंग करने से पहले उस पेपर पे हम लेप लगा देते हैं छान करके, जिससे क्या होता है पेंटिंग में कभी घुल नहीं लगता, कभी खराब नहीं होता। तो हाथी कैसे बनाएंगे? फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ये सूंड बनाई है, सर्कल बना के सूंड दिया है, दूसरे में इन्होंने सर्कल दिए, दांत बना दिए हैं ये कान, और तीसरे में ये, और चौथे में उसको डेकोरेट किया है। तो ये कितना आसान तरीका है, अलग अलग स्टेप दिखाए गए हैं, पहला स्टेप दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह के फूल हैं। मछली के लिए 3 स्टेप, बटरफ्लाई के लिए 3 स्टेप, कछुआ के लिए 3 स्टेप। पेंटिंग में हमने ऐसे फूल को घिसते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए फ्लावर कोई भी फूल लिया उसको फूल को हम पहले ऐसे सिलबट्टे पे पीसते हैं, ओ चटनी की तरह, ओ देख रहे हैं ये फूल पीसा जा रहा है, और पीस के इसको हम रस को निचोड़ लेते हैं जो रस लिक्विड बन जाता है, और बाद में उसके लिए हम ऐसे करेंगे। एक बात और कह दूं मैं, जैसे मान लो हमने इसका फूल का रंग बनाना है, तो आज बनाएंगे ना इसको पीसेंगे तो आज रंग हल्का होगा, कल और गाढ़ा होगा, परसों और गाढ़ा होगा, और ये रंग 3-4 दिन तक चलेगा, और इसमें शेड अलग अलग हो जाएगा, तो एक ही फूल से हम 3-4 तरह के शेड निकाल लेते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सत्यनारायण जी आपसे, अगर हम मिथिला पेंटिंग की बात करें तो आज के संदर्भ में बच्चे इसको किस तरीके से सीख पाएंगे और ये कितनी सार्थक है? और जबकि कहा जाता है ये जो पेंटिंग हमेशा अपनी मन की भावना को निकालने के लिए होती है, तो मन की भावना निकालने के लिए कोई बंधन नहीं होनी चाहिए ना, जो अच्छा लगा हमने बनाया। और खास करके क्या है, बड़ी सच बड़ी बात यह है, जो हमारी देश की किसी देश की पहचान उसकी कल्चर आर्ट संस्कृति से होती है, अगर धीरे धीरे हमारे बच्चे ये भूल जाएंगे तो बाद में फिर क्या होगा, कोई विदेशी आके बताएंगे जी ऐसे फूल पेंटिंग से पेंटिंग होता था। तो सबसे बड़ी बात है जो हमारे कल्चर बच्चे को अपने आर्ट कल्चर की जानकारी बचपन से दिया जाए, जिससे कि उनको अच्छा लगे। आप मोर बनाते हो ना, तो हम कैसे मोर बनाते हैं? See, without pencil, he's drawing it just directly with the stick. ये देखा? और हम क्या करेंगे, हम खेलते हैं, हम क्या करेंगे मछली के मोर के ना मछली मछली बना देंगे पंख में, ऐसा नहीं होता ना, हमें अच्छा लगता है नहीं, जैसे यहाँ हमने मछली बना दिया, ये देखिए a design is coming out of another design, इसको हम मछली बना देंगे। हम ना आर्ट में खेलते हैं, हम ड्राइंग में खेलते हैं हम लोग, ये देखो ऐसा नहीं होता ना, मोर कहीं होता है ऐसे मछली वाला, हमको अच्छा लगता है, इसको ऐसे देखो ऐसे बना देंगे, ये देखो ये पैर बन गए, ये इसके चोंच बन गए, ये इसके देखा। पर इसमें क्या करेंगे, खासकर मिथिला में खास वाली और होता है, हर को डबल लाइन करते हैं, ये देखें ऐसे डबल लाइन, और डबल लाइन को आपने देखा होगा पेंटिंग में, डबल लाइन को ऐसे ऐसे मिलाते हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए इसको बढ़ावा देने के लिए, हमें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि ये अपने पुराने वाले रूप में दोबारा से आ जाए? अगर बच्चों को हम अगर हमको बढ़ावा देना है, हमें जो बनना था बन गए, अगर किसी भी कला को आगे बढ़ाना है आपको, तो आपको बच्चों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और इसीलिए अगर बच्चों के साथ काम करवाएंगे बच्चों को बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, यही नहीं भारत ही नहीं विदेश में बच्चों से काम करवाते बहुत अच्छा लगता है उसको, वो हैरान होते हैं फूल से पेंटिंग बन जाती है, तो कितना फूल घर में आता है उनको बेकार हो जाता है जी, ठीक है ना। तो सबसे मेरा उद्देश्य पहला है जो बच्चों को जानकारी दें, बच्चों करने का मौका दें, खासकर स्कूल वाले भी कॉलेज वाले भी थोड़ा इस तरफ सोचें, जो भी हमारे भारतीय कला हैं जिस तरह बाल भवन कर रहा है भारतीय कला को बढ़ावा दे रहा है, उस तरह से अगर स्कूल में भी दें, वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे बिल्कुल भारतीय कला से परिपूर्ण होंगे। ये हमने जो कलर यूज किया है ब्लू और पीछे जो पेंटिंग है येलो, ये कलर कहाँ से आया? ये फूलों से आया है, जैसे ये है ना ये फूल लिया ना, इसका रंग बनाना हो आपको, ये हरा निकाल दो, ऐसे इसको निकाल लिया हमने, और सिलबट्टे होता है ना सिलबट्टा, कभी देखा है जैसे चटनी पीस, मम्मी से पूछना आप, उस पर पीसेंगे ना, ये इसका जूस ही तो है,
ये फूल का जूस है, ये पानी इधर इधर आ गया, पीस में कागज पे आ गया, तो हम फूल को पीस लेंगे तो चटनी की तरह बन जाएगी, और उसमें कपड़े से छान लेंगे तो लिक्विड बन के कटोरी में आ जाएगा, उसका पेंट करेंगे। पर उसे होता है कि अगर मान लो हमको पेंट पहले ड्रॉ कर लिया हमने ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे ये है ना, ये देखो ये हमने ब्लैक एंड ड्रॉ कर लिया, पहले ऐसे ड्रॉ करते हैं ठीक है तीली से, बाद में रंग भरेंगे, तो जहाँ जहाँ हमको हल्का रंग भरना पड़ेगा पीला, तो हमने आज रंग बनाया तो आज ही भर लेंगे, कल भरना है तो डार्क हो जाएगा, परसों भरना है तो आज डार्क हो जाएगा, तो एक ही फूल से हमको तीन चार शेड मिल जाते हैं हम, ठीक है। बताओ क्या बनाया आपने, मैंने दिखाओ दिखाओ जरा, बताओ क्या बनाया आपने, बताइए बेटा क्या बनाया, फूल बनाया आपने, क्या बनाया आप दिखाओ, मैंने गणपति जी बनाया, फ्री हैंड ड्रॉ किया ना जी। पहली बार बगैर रोटर के ड्रॉ किया, अच्छा लगा आपको, आप बताओ बेटे क्या बनाया, दिखाओ जरा, बहुत अच्छा आपने क्या बनाया, तो फूल अच्छा लगता है बनाना, ठीक है, इस तरह से हर चीज बना सकते हो आप। हाँ, जैसा कि आपने देखा सत्यनारायण जी ने आज के इस कार्यक्रम में आपको बहुत सी बातें बताई मिथिला पेंटिंग के बारे में, उन्होंने बताया कि मिथिला पेंटिंग के विषय क्या होते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है, ये इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, बहुत सारी बातें बताई, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप भी पेंटिंग बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ना पेंसिल ना कलम ना ब्रश, बस जो भी है सब प्रकृति से मिला और बन गई सुंदर कलाकृतियां। जीत ले हम सारी दुनिया, पीछे हमें अपने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सब से मिलकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक घर में कुछ वैज्ञानिक एक साथ रहते थे और वहीं पर अपना काम करते थे। एक दिन वे सब गंभीरता से अपने काम में जुटे हुए थे, तभी उनसे मिलने कुछ लोग आए। उन लोगों में एक पुलिस अफसर और एक नर्स शामिल थे। वैज्ञानिकों ने रसोई में काम कर रहे व्यक्ति से कहा कि वो सबके लिए चाय बनाकर ले आए। वैज्ञानिकों के पड़ोस में तीन लोग रहते थे जो किसी स्कूल में पढ़ाने जाते थे। उन तीनों को वैज्ञानिकों से कुछ काम था, इसलिए वे भी उनके घर पर आ गए। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। एक वैज्ञानिक ने फोन पर बात की। उन वैज्ञानिकों को हाल ही में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था, इसलिए जिला कलेक्टर ने उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया था। इस कहानी में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए आपको इस कहानी में आए व्यक्तियों को अपने पसंद के नाम देने हैं। वैज्ञानिक, रसोई में काम करने वाला व्यक्ति, नर्स, पुलिस अफसर, जिला कलेक्टर और स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति। धन्यवाद। आप में से ज्यादातर छात्रों ने नर्स, स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति और रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को महिलाओं के नाम दिए हैं। वैज्ञानिक, पुलिस अफसर और जिला कलेक्टर को आपने पुरुषों वाले नाम दिए हैं। कई महिलाएं वैज्ञानिक, पुलिस अफसर और जिला कलेक्टर होती हैं। उसी तरह कई पुरुष नर्स होते हैं, रसोई में काम करते हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर किसी व्यवसाय या काम को पुरुषों से और किसी काम को महिलाओं से क्यों जोड़ा जाता है? किसी भी काम को लेकर
इस तरह की रूढ़िवादी धारणा क्यों और कैसे बनती है? कई सदियों से लोग इसी तरह सोचते आए हैं। लोगों को बार बार एक ही तरह के उदाहरण बताकर इन धारणाओं को मजबूत कर दिया गया है। इसलिए वे सोचने लगे हैं कि कुछ काम सिर्फ पुरुष करते हैं और कुछ काम सिर्फ महिलाएं। इस प्रक्रिया को लिंग रचना कहा जा सकता है। बचपन से ही हमें यह बताया जाता है कि आम तौर पर कुछ काम व लक्षण केवल पुरुषों से संबंधित होते हैं और कुछ काम व लक्षण केवल महिलाओं से संबंधित होते हैं। ये बातें सीधे तरीके से या घुमा फिराकर बार बार समझाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को लिंग रचना कहते हैं। चलिए फिर से दोहराते हैं। बचपन से ही हमें यह बताया जाता है कि आम तौर पर कुछ काम व लक्षण केवल पुरुषों से संबंधित होते हैं और कुछ काम व लक्षण केवल महिलाओं से संबंधित होते हैं। ये बातें सीधे तरीके से या घुमा फिराकर बार बार समझाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को लिंग रचना कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को लिंग रचना की इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों और पुरुषों पर इस बात का एक जैसा प्रभाव पड़ता है। हमने सातवीं कक्षा में यह सीखा था कि स्त्री और पुरुष एक समान होते हैं। क्या हम उस सत्र में सीखा हुआ गीत फिर से गाएं? सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। रूप और गुण बदल सके, मन और बुद्धि बदल सके, रूप और गुण बदल सके, मन और बुद्धि बदल सके। प्रकृति से भेद नहीं, सत्य असत्य कैसे बदले, प्रकृति से भेद नहीं, सत्य असत्य कैसे बदले। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। सारे रास्ते सारे मौके समान मिले जब दोनों को, सारे रास्ते सारे मौके समान मिले जब दोनों को, दुनिया में अति आनंद होगा, दोनों को समान खुशी मिलेगी, दुनिया में अति आनंद होगा, दोनों को समान खुशी मिलेगी। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। धन्यवाद, आप सबने बहुत अच्छी तरह गाया। हम गीत गाते समय तो ये कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक समान है, पर हम स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादी तरीके से सोचते हैं। रूढ़िवादी सोच का मतलब है उसी तरह से सोचना जिस तरह से लोग सदियों से सोचते आए हैं, नई सदी के हिसाब से अपनी सोच में परिवर्तन ना लाना, किसी चीज को
अलग तरीके से ना देख पाना, ये सब बातें रूढ़िवादी सोच दर्शाती हैं। औरतों को तो बस रोने का बहाना चाहिए, यह वाक्य रूढ़िवादी सोच का एक उदाहरण है। हमारी भाषा, विचार, रचनाओं, आदतों इत्यादि में ये साफ नजर आता है कि हम स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं। आइए हम ये जानने की कोशिश करें कि लिंग रचना किस तरह होती है। इसके लिए हम कुछ कार्यकलाप करेंगे। आइए इस बात पर ध्यान दें कि हमारी भाषा में लिंग रचना किस तरह नजर आती है। राजा, ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? सही कहा, यह पुल्लिंग है। क्या आप बता सकते हैं कि राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सही कहा, इसका स्त्रीलिंग होगा रानी। अगर मैं आपको कोई पुल्लिंग शब्द दूं तो आप मुझे उसका स्त्रीलिंग बता सकते हैं, है ना? और उसी तरह अगर आपको कोई स्त्रीलिंग शब्द बताया जाए तो आप उसका पुल्लिंग बता सकते हैं, ठीक है? स्क्रीन पर कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बताए जाएंगे, आपको उन शब्दों के दूसरे लिंग का शब्द सोचकर जोड़े बनाने हैं, ठीक है? स्त्रीलिंग नर्स, गृहिणी, पुल्लिंग शिल्पकार, किसान, कर्मचारी, चौकीदार, सेनापति। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आपको नर्स और गृहिणी के लिए कोई पुल्लिंग शब्द नहीं मिले। उसी तरह कर्मचारी, शिल्पकार इत्यादि के लिए कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं मिले, है ना? ये समस्या केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं में भी है। पारंपरिक रूप से कुछ काम पुरुष करते थे और कुछ काम महिलाएं। हम उन पारंपरिक बातों को बिना सोचे समझे मानते रहे हैं। हमने उन बातों के लिए नए विकल्प ढूंढने की कोशिश नहीं की। नए विकल्प ढूंढने से हमें कौन रोक रहा है? देखा जाए तो हम लिंग रचना की वजह से ही ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम इन शब्दों को कैसे बदल सकते हैं? हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सेनापति की जगह सेना अध्यक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्मचारी की जगह कर्मी दल का प्रयोग कर सकते हैं। इस उदाहरण को देखते हुए हमें इस सूची में दिए शब्दों के लिए ऐसे शब्द सोचने हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान हो। स्त्रीलिंग गृहिणी नर्स, पुल्लिंग किसान, कर्मचारी चौकीदार, शिल्पकार सेनापति। आप सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। क्या अब हम स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शब्दों को देख लें? स्त्रीलिंग पुल्लिंग समान शब्द, गृहिणी गृह प्रबंधक, नर्स चिकित्सा सहायक, किसान कृषि कर्मी, कर्मचारी कर्मी दल, चौकीदार सुरक्षा कर्मी, शिल्पकार हस्तशिल्पी, सेनापति सेना अध्यक्ष। यहां पर तो कुछ ही उदाहरण दिए गए हैं, पर ऐसे कई शब्द हैं जिनके लिए हमें समान शब्द बनाने की जरूरत है। ऐसा करने से सभी लोग इनका इस्तेमाल करने लगेंगे
और ये नए शब्द हमारी भाषा का हिस्सा बन जाएंगे। एक छोटी सी शुरुआत भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकती है। इस चीज की शुरुआत करने के लिए हमें भी अपनी भाषा और सोच में बदलाव लाना चाहिए। आइए अब एक कार्यकलाप करते हैं। इस कार्यकलाप के लिए आपको 10-10 लोगों के समूह बनाने हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ चीजें दिखाई जाएंगी। आपको एक विषय चुनकर केवल 3 मिनट तक चलने वाला एक विज्ञापन बनाना है। इस विज्ञापन को बनाने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद दो समूहों को कक्षा के सामने अपना विज्ञापन बताना है, ठीक है? जिन चीजों के लिए विज्ञापन बनाना है वे हैं चाय पत्ती, कार या गाड़ी, कपड़े धोने का साबुन, बचत योजना। कोई भी व्यक्ति चाय बनाकर परोस सकता है, पर विज्ञापनों में अक्सर महिलाओं को चाय बनाते हुए दिखाया जाता है। उसी तरह गाड़ी तो केवल एक प्रकार का वाहन है जिसे कोई भी चला सकता है, पर अक्सर आदमियों को ही गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। आदमी और औरत दोनों ही कपड़े पहनते हैं और गंदे कपड़ों को धोना भी पड़ता है, पर ज्यादातर विज्ञापनों में औरतों को ही कपड़े धोते हुए दिखाया जाता है। सभी को अपने पैसे बचाने चाहिए, पर बचत योजना के विज्ञापन में अक्सर दिखाया जाता है कि बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए बचत करनी चाहिए। इस तरह के चित्र दिखाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हम टीवी, रेडियो, सिनेमाघर और दूसरी जगहों पर इसी तरह के विज्ञापन देखते हैं, इसलिए हमारे मन में इन चित्रों और विचारों की गहरी छवि बन गई है। इन चीजों को बार बार देखकर हम भी इसी तरह सोचने लग गए हैं। हमें इस छवि को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर चीज को अलग नजरिए से देखना चाहिए और स्त्री व पुरुष दोनों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। अब तक हमने सीखा कि किस तरह लिंग रचना का प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ता है। आइए अब देखें कि रचनात्मकता पर इसका प्रभाव किस तरह पड़ता है। इस चुटकुले को पढ़िए। दो आदमी साड़ी की दुकान के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। राज, मेरी बहन 1 घंटे से साड़ी पसंद करने की कोशिश कर रही है, वो अभी तक बाहर नहीं आई। रवि, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बहन तो दुकान खुलते ही अंदर चली गई थी, अब तक अंदर ही है। अब इस चुटकुले को पढ़िए। सुरेश, मेरी बीवी ने मुझे बहुत डांटा। महेश, क्यों? सुरेश, हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर मुझे अब तक खाना बनाना नहीं आया, इसलिए वो मुझे धमकी दे रही है कि मुझे अपने पिता के घर वापस भेज देगी। आपको इन चुटकुलों से क्या पता चला? क्या आप दूसरों को इसके बारे में बताना चाहेंगे? पहले चुटकुले में यह कहा गया कि औरतें बहुत समय बिगाड़ती हैं, उन्हें कोई भी निर्णय लेने में बहुत समय लगता है। दूसरे चुटकुले में आदमियों का मजाक उड़ाया गया है कि वे खाना बनाना नहीं जानते, पर असल में आदमी और औरत दोनों ही समय बर्बाद करते हैं और वे दोनों ही अच्छा खाना बना सकते हैं। शादियों में और छोटी बड़ी होटलों में तो अक्सर आदमी ही खाना बनाते हैं, पर ऐसे चुटकुले वास्तविकता से दूर होते हैं। इस तरह के चुटकुले रूढ़िगत धारणाओं को बढ़ावा देते हैं।
ऐसे चुटकुले सुनकर हम भी इसी तरह सोचने लग जाते हैं। लिंग रचना केवल चुटकुलों में नहीं नजर आती, कई कहावतों में भी इसका प्रभाव दिखता है। यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नारी नरक का द्वार होती है, अगर तुमसे काम नहीं होता तो हाथों में चूड़ियां पहन लो, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। हमें इस तरह के वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें पुरुष और स्त्री को समान समझते हुए बात करनी चाहिए। आइए अब एक कार्यकलाप करें। आपको स्क्रीन पर कुछ संज्ञा शब्द दिखाए जाएंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल कहानी, कविता और निबंध में होता रहता है। इस आधार पर आपको पहचानना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अगर शेर की तुलना आदमी से की जाती है तो आपको पुल्लिंग कहना है, जिन चीजों की तुलना औरतों से की जाती है उसके लिए आपको स्त्रीलिंग कहना है। आप तैयार हैं? घोड़ा, चांद, लता, रिमझिम, ज्वालामुखी, सूरज, फूल, हिरन, तूफान, पर्वत। बहुत अच्छा प्रयास था। आम तौर पर कहानियों और कविताओं में हम पढ़ते हैं कि घोड़ा, पर्वत, सूरज, तूफान और ज्वालामुखी, इन शब्दों का इस्तेमाल आदमियों के लिए किया जाता है। चांद, लता, फूल, हिरन, रिमझिम इत्यादि की तुलना औरतों से की जाती है। जब हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो ये बातें हमारे मन में उतर जाती हैं, फिर हम भी इस तरह की तुलना का प्रयोग करने लगते हैं। हम इस तरह की लिंग रचना से बाहर कैसे निकल सकते हैं? किसी भी तरह के लेखन को पढ़ते समय हमें स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी कहानी, कविता, लेख इत्यादि में भेदभाव महसूस हो तो उस रचना को अनुचित समझना चाहिए। कुछ लिखते समय हमें भी अपनी रचनाओं में इस तरह का भेदभाव नहीं आने देना चाहिए। हमने देखा कि लिंग रचना का प्रभाव कई चीजों पर पड़ता है। हमने ये भी जाना कि इसको किस तरह से बदला जा सकता है। लिंग रचना का असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। आइए अब हम अपने व्यवहार के बारे में कुछ बातों पर ध्यान दें। आपको एक तालिका दिखाई जाएगी जिसमें एक तरफ कुछ व्यवहारों की सूची और दूसरी तरफ पुरुष व स्त्री के लिए खंड बने हैं। आपको ये बताना है कि पारंपरिक तौर पर कौन सा व्यवहार स्त्री या पुरुष के लिए उचित नहीं समझा जाता, उसके अनुसार आपको उचित खंड में निशान लगाना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यवहार स्त्रियों के लिए निषेध है तो उस व्यवहार के लिए आपको स्त्री के खंड में निशान लगाना है। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्त्री, पुरुष, जोर से हंसना, सबके सामने रोना, हर वक्त घर के अंदर रहना, सबसे पहले खाना खाना, देर रात तक बाहर रहना, अकेले बाहर जाना, दूसरों के सामने शर्माना, सजना संवरना। क्या हम जवाब देख लें? भारत के रूढ़िवादी समाजों में तो औरतों के लिए जोर से हंसना, देर तक बाहर रहना, अकेले बाहर जाना इत्यादि
निषेध माना जाता है। उसी तरह आदमियों के लिए घर पर रहना, शर्माना, सजना सवरना निषेध माना जाता है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते उनका तिरस्कार किया जाता है। ये सब नियम कहीं लिखे नहीं गए हैं, इन्हें मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। ये तो केवल रूढ़िवादी बातें हैं जिन्हें लोग बरसों से मानते आए हैं। हर पीढ़ी के लोग बड़ों को देखकर ये बातें सीखते हैं, इसलिए सब लोग बिना सोचे समझे इन बातों को मानते रहे हैं। अगर हम स्त्री पुरुष में भेदभाव किए बिना इन व्यवहारों को देखें तो हम लिंग रचना से बाहर निकल सकते हैं। हम लिंग रचना की समस्या को हल करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? हमें स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव किए बिना सारी चीजों को समानता से देखना और समझना चाहिए। इसका मतलब है कि स्त्री या पुरुष के बारे में कोई निरादर वाली बात कही गई हो तो हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। टीवी, सिनेमा, विज्ञापन, लेखन आदि में जिस तरह से औरतों का चित्रण किया जाता है हमें उस पर विचार करना चाहिए। हमें इस तरह के वाक्यांशों या कहावतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें औरतों को नीचा दिखाया गया हो, या फिर ऐसी बातें जिसमें आदमियों को बलवान और वीर बताया गया हो उन्हें सोचे समझे बिना नहीं मानना चाहिए। दूसरों को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से रोकना चाहिए। हमें ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जिसमें स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिया गया हो। हमें रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़ना चाहिए। हमें ऐसे काम करने की कोशिश करनी चाहिए जो पहले स्त्री या पुरुष के लिए उचित नहीं समझे जाते थे। उदाहरण के लिए, पुरुषों को खाना बनाना सीखना चाहिए, औरतों को बाहर घूमने जाना चाहिए। हमारे समाज में इतना परिवर्तन एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि लोग परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते। दवाई कड़वी होती है पर उससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। उसी तरह लंबे समय तक प्रयास करने से समाज में भी बदलाव आ सकता है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आपको वो कहानी याद है जो हमने सत्र की शुरुआत में सुनी थी? मैं उस कहानी का एक भाग दोहराऊंगा। एक घर में कुछ वैज्ञानिक एक साथ रहते थे और वहीं पर अपना काम करते थे। एक दिन वे सब गंभीरता से अपने काम में जुटे हुए थे। तभी उनसे मिलने कुछ लोग आए। उन लोगों में एक पुलिस अफसर और एक नर्स शामिल थे। अब आप वैज्ञानिक, पुलिस अफसर और नर्स को क्या नाम देंगे? बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। अगर आपने वैज्ञानिक और पुलिस अफसर को स्त्रीलिंग नाम दिए और नर्स को पुल्लिंग नाम दिया तो इसका मतलब है कि आप लिंग रचना से बाहर निकलना सीख गए हैं। अगर इतनी जल्दी आप में बदलाव आने लगा है तो बड़ा परिवर्तन आने में भी देर नहीं है। तो क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? लिंग रचना का मतलब है सीधे तरीके से या घुमा फिराकर बार बार ये बात समझाना कि आम तौर पर कुछ काम और लक्षण केवल पुरुषों से संबंधित होते हैं और कुछ काम व लक्षण केवल महिलाओं से संबंधित होते हैं। स्त्री या पुरुष के बारे में कोई निरादर वाली बात कही गई हो तो हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। टीवी, सिनेमा,
विज्ञापन, लेखन आदि में जिस तरह से औरतों का चित्रण किया जाता है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। हमें इस तरह के वाक्यांशों या कहावतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें औरतों को नीचा दिखाया गया हो, या फिर ऐसी बातें जिसमें आदमियों को बलवान और वीर बताया गया हो, उन्हें सोचे समझे बिना नहीं मानना चाहिए। दूसरों को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से रोकना चाहिए। हमें ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जिसमें स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिया गया हो। हमें रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़ना चाहिए। हमें ऐसे काम करने की कोशिश करनी चाहिए जो पहले स्त्री या पुरुष के लिए उचित नहीं समझे जाते थे। उदाहरण के लिए, पुरुषों को खाना बनाना सीखना चाहिए, औरतों को बाहर घूमने जाना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।